आज यहाँ श्रीनगर में एक बहुत बड़ी संख्या में इलेक्टेड सरपंचेस और पंचेस कश्मीर घाटी के डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट से आके हमारे पार्टी में ज्वाइन किए हैं। आज किसी का चंडीगढ़ में पूछताछ हो रहा है, कल जाकर किसी का श्रीनगर में भी पूछताछ करना पड़े तो बिल्कुल करना चाहिए। वो कितने बड़े हैं, क्या है, ये नहीं। भ्रष्टाचार इस राज्य के डेवलपमेंट के लिए एक अभिशाप बन गया है, उसको खत्म करना चाहिए। फिर से 35A का खतरा शुरू हो गया, लोगों को डराने का काम शुरू हो गया, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, हमको ये होना है, वो होना है। खुद का धमकी देने से कोई यहाँ डरने वाले रोज लोग नहीं है, वो दिन गए हैं। अब सारे भ्रष्टाचारियों को जो उचित कार्रवाई करके उनके ऊपर जो कुछ भी कदम उठाना है वो उठाने की मांग हम प्रशासन से कर रहे हैं। प्रशासन ऑलरेडी उस दिशा में आगे बढ़ चुकी है। यहाँ के लोकल रीजनल पार्टीज के लीडर्स अपने पॉलिटिकल स्वार्थ के लिए यहाँ डर पैदा कर रहे हैं। सरकार जो भी कदम उठा रही है यहाँ की परिस्थिति के अनुरूप जो आवश्यक चीज है, जम्मू कश्मीर के अंदर विशेषकर कश्मीर घाटी के अंदर फोर्सेस का लाना वापस ले जाना एक निरंतर प्रक्रिया है। यहाँ आप सबको मालूम है, जब अमरनाथ यात्रा होती है तो एक्स्ट्रा फोर्सेस आते हैं, जब नए चुनाव कराना है जैसा भी हमको ब्लॉक लेवल पे चुनाव कराना है उसके लिए एक तरफ अमरनाथ यात्रा भी चल रही है, अनेक कारणों से यहाँ फोर्सेस को आना जाना होते रहता है। पर इसको किसी और चीज से जोड़कर लोगों को डराने का प्रयास अपने निजी स्वार्थ के लिए कर रहे हैं। मैंने जैसा कहा ना, अब जैसे ही करप्शन पर शिकंजा कसना शुरू हो गया है ये लोग अपने आप को बचाने के लिए सारे ड्रामा कर रहे हैं। मित्रों, बाकी भारत सरकार जो उचित है वो निर्णय करेगी सब विषयों पर। क्या वो कदम, मैंने पहले ही कहा, जो कदम कानूनन उठाकर राज्य के हित होता है उस दिशा में सरकार काम करेगी। बाकी कई सारे मुद्दे अब अदालत के सामने मुद्दे हैं, वो अदालत में उनको फेस किया जाएगा। तमाम मुद्दे जिनका जहां स्थान है वहां चर्चा होगी ना। हर बार कोई आया तो एक ही प्रश्न पूछेंगे, हट रहेगे। किसने कहा है? नहीं नहीं, महबूबा जी कह रहे हैं। महबूबा जी थोड़ी सरकार चला रही है। जो काम जिस समय जिसको उठाना है वो उठाएंगे, और जो भी कदम उठेगा उससे जम्मू कश्मीर की भलाई होगी। वो भाषा महबूबा जी प्रयोग कर रही है, मैंने कहा, इसलिए मैंने उत्तर दे दिया इस प्रश्न का। अपने आप को पॉलिटिकली रिलेवेंट रखने के लिए, जो खिसकता हुआ अपना पॉलिटिकल बेस को बचाने के लिए लोगों में डर का माहौल फैलाने का प्रयास हो रहा है। जहां तक हमारा एजेंट इस समय जो काम चल रहा है राज्य में, उस काम को आगे बढ़ाना है, चुनाव की प्रक्रिया आगे बढ़नी है, असेंबली चुनाव होनी है, ये हम मांग करें। इस पर बात करें ना, जनता के बीच में जाए ना इसको लेकर, क्योंकि आज कोई उनके पार्टी के लोग तो उनके मीटिंग में ही फाउंडेशन डे में ही जाते नहीं है, तो फिर जाके लोगों को मैं बारूद उठाऊंगी, हाथ जल जाएगा, इस प्रकार डराने की भाषा फिर से शुरू कर दी है। मैंने इसलिए कहा, जिनको उन चीजों पर निर्णय करने का अधिकार है वो उचित समय पर जो निर्णय करेंगे। इन मुद्दों पर हमारा पार्टी का स्टैंड क्या है आपको दोहराना आप चाहेंगे तो मैं दोहराऊंगा, पार्टी का स्टैंड होगा वो, पर निर्णय तो पार्टी नहीं करेगी, निर्णय तो प्रधानमंत्री और सरकार करेंगे। वो जो भी निर्णय करेंगे राज्य के हित में करेंगे, आश्वासन मैं दे रहा हूँ, राज्य का हित होगा उसमें। सीबीआई की कार्रवाई चल रही है, सीबीआई की कार्रवाई के अंतर्गत एक भाग जो होता है जिसको ईडी को हैंडल करना होता है, वो शायद ईडी इस समय हैंडल कर रहे, कानूनी प्रक्रिया है। मोदी जी की सरकार कुछ भाई भतीजावाद से नहीं चलेगा, फेवरेटिज्म से नहीं चलेगा, कानून से चलेगा। कानूनन जो करना है वो करेगा।